नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के मेडिकल कॉलेज और संजय गांधी अस्पताल के बीच मची तनातनी में अब आम जनता परेशान हो रही है। संजय गांधी अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसरों ने पोस्टमार्टम करने से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो वहीं मेडिकल कॉलेज की टीम भी इन दिनों पोस्टमार्टम नहीं कर रही, जिसके कारण बीते कल से संजय गांधी अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम का काम बंद है। हालांकि पीएम का कार्य बंद होने के बाद मचे हड़कंप से जागा मेडिकल कॉलेज प्रशासन हरकत में आया है और मीटिंग कर पोस्टमार्टम का कार्य शुरू करने की व्यवस्था बनाई है। विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल होने के चलते यहां दूर दराज से हजारों लोग इलाज के लिए आते हैं और कई लोगों की इलाज के दौरान मृत्यु भी हो जाती है। अस्पताल में रोजाना 4 से 5 पोस्टमार्टम होते हैं, जिसमें 3 दिन मेडिकल कॉलेज की फॉरेंसिक डॉक्टरों की टीम और 4 दिन संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ पोस्टमार्टम का कार्य करते थे। लेकिन पिछले कुछ माह में पीएम करने वाली मेडिकल कॉलेज की टीम उपलब्ध न होने के कारण संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ को पीएम करना पड़ रहा था, जिसके कारण उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और 2 दिनों तक अस्पताल में पीएम का कार्य बंद रहा। परिजनों की लगातार बढ़ रही नाराजगी और शिकायत मिलने के बाद आज मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बैठक कर मेडिकल कॉलेज और संजय गांधी अस्पताल के बीच पीएम करने की सहमति बनाई, जिसके बाद अब सप्ताह के 2 दिन शनिवार और रविवार संजय गांधी के सीएमओ पीएम करेंगे और बचे 5 दिन मेडिकल कॉलेज की टीम के द्वारा पीएम कराया जाएगा। आपका? मेरा नाम मणिराज सिंह। ये पोस्टमार्टम के लिए आप इंतजार कर रहे हैं अस्पताल में, क्या दिक्कत आ रही है? सर, कल दोपहर को मेरे ग्राम पंचायत अम्बा में महावीर कुशवाहा जी हैं, वो एक्सपायर हो गए, तो 2 बजे के लगभग हम लोग यहाँ लेके आ गए हैं, तब से उनका पीएम नहीं हो रहा। आज सुबह 10 बजे बुलाए थे, 10 बजे हम लोग आ गए, पूरे परिजन घर में परेशान, यहाँ परेशान, और 12-1 बज रहा है अभी तक। डीन साहब से भी मिले, सीएमओ साहब से भी मिले, तो बोल रहे हो जाएगा हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर कह रहे हैं। क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? यही बोले हैं कि बैठिए, इंतजार करिए, देखते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। अभी कितने किलोमीटर जाना आपको? अब हमको इलाहाबाद लेके जाना था, ये तो अपना 10 किलोमीटर ही है, पर इलाहाबाद जाना था लेके, वहीं उनका करना था, तो आज का फिर। जिले से हूँ, ग्राम मन्नाचर पोस्ट का तहसील मोहगढ़ जिला जीवा। ये आपके कौन है जो खत्म हो गए हैं? मेरे बड़े भाई संदीप ठाकुर। कैसे घटना क्या हुई थी? घटना हुई थी सर कि कल 11 बजे दिन में सर कीटनाशक दवा ले, तब वो खत्म हो गए। हाँ। तो कल से वहाँ पीएम हो गया उनका? पीएम नहीं हुआ सर, कल 11 बजे से बाड़ी अंदर गई है सर, अभी 1 बज रहे हैं सर, बाड़ी अंदर बाहर नहीं दिए। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहे हैं सर की बात हो रही है सर, अभी उसका रिएक्शन डिपार्टमेंटली प्रॉब्लम के कारण जनता परेशान हो रही है। इस क्या हुआ, क्या समस्या जा रही है आप? अरे हम तो पीएम के लिए आए हैं, कल से बाड़ी रखती है 12 बजे से, तो यहाँ कोई सुनी नहीं रहा, पीएम नहीं हो रहा है। ये तो पीएम नहीं हुआ। क्या कहते हैं पीएम नहीं हुआ? हमारे पिताजी क्या कहते हैं डॉक्टर? हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आज 10 बजे। नाम क्या है आपका? कल 10:30 बजे। कल 10:30। उनका क्या नाम था? महावीर कुशवाहा। आपका क्या नाम? सुदर्शन प्रसाद कुशवाहा। कहाँ से आए हैं? अम्बा। कैसे खत्म हो गए? अरे फांसी लगा दी, पीएम कार्रवाई नहीं हो पाई इसके बाद। अच्छा नहीं, अब हम देखिए इनका डेथ जो हुआ, हमारे साले जी हैं संदीप कुमार, स्वर्गीय संदीप कुमार साठी जी, इनका डेथ हुआ 11 बजे के लगभग, और कल नाइट में हुआ है, और बोला गया था कि 9 बजे आपका पीएम होगा, अभी यहाँ तक 1:30 बज गया है। हम लोग मऊगंज से, यहाँ से डेड बॉडी लेके 2 घंटे जाना लगेगा, फिर जाते जाते वहाँ गांव घर के आएंगे, देखेंगे ताकेंगे, इस टाइम में टाइम निकल जाएगा, फिर रात में तो दाह संस्कार होता नहीं है। माने हमारे घर का प्राणी तो गया, साथ में जनता भी मर रही है हमारे घर की, प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, क्या करे क्या ना करे। इतना लेट पीएम क्यों हो रहा कुछ? अब हम लोग को बोल रहे हैं कि हमारा होगा होगा, अब ये तो डिपार्टमेंट वाले बताएंगे क्यों क्या।